माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपने टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें गोडाउन्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी कैसे यूनिट्स कैसे बनाते हैं और उसके स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया कैसे कंपनी करते हैं, उसमें कोई अब ऐसी बात नहीं। फिर हम करते हैं कंपनी के, मैं नवनी से दे देता हूँ कंपनी के और उससे आप लोग फेस कर लेना और मैं जाता हूँ इन्वेंट्री इन्फॉर्म करने के लिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो क्या करना गोडाउन्स बनाने के लिए उसके लिए हमें कुछ फीचर्स यूज करने हैं। क्या करेंगे हम F11 फीचर्स ओपन करेंगे। तो F11 करेंगे तो लिखा देखो इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। वहाँ पे देखो यहाँ पे हमें लिखा है, ये दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। यहाँ पे क्या करेंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी दोनों क्या करेंगे एस कर देंगे। एस करने के लिए वाई दबाएंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ भी एस करने के लिए वाई दबाएंगे और दोनों को सेव कर लेंगे। बाद उसको हम आते हैं बैक कर लेंगे स्क्रिप्ट के साथ मेंटेन इनको करते जाते हैं। पहले तो लिखा स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और ये किसके अंडर में रहेगा प्राइमरी के। और ये देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप कर लिया है, मैं इसको बैक जा रहा हूँ। और मैं अब दूसरा क्या करूँगा, मैं कैटेगरीज करूँगा। कैटेगरीज में क्या जैसे मान लो मैंने मोबाइल कर ले लिया तो मोबाइल ले लिया, मोबाइल मेरी कैटेगरी हो जाएगी। और उसको मोबाइल ले लेते उसी आइटम के लेते हैं। या फिर मैंने टीवी लेते हैं कम, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम बैक कर लेंगे और इसके बाद हम और बैक जाएंगे और यहाँ पे लिखा यूनिट हम मेजर क्रिएट कर लेंगे। मेजर के मान लो तुम्हारे तो टीवी के इसमें पीसीएस मांगे पीसीएस इंटर करेंगे तो इसका फुल नेम क्या होगा PICS हो जाएगा। और कितने तीन नंबर ये जिस पीसीएस का मतलब मतलब और आगे देखो हम बनाएंगे गोडाउन मान लो जैसे मेरा कानपुर मान लो गोडाउन है, मैं कानपुर गोडाउन डाल दिया। यहाँ से देखो क्या प्राइमरी मेनली कुछ अपने सुविधा के अनुसार यूज कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बाइक जाएंगे और अब देखिए हम क्या करेंगे हमारी सारी सभी चीज़ें बन गई हैं। और देखो मैंने यूनिट और मेजर गोडाउंस बना लिए। अब हमें क्या करना स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के, स्टॉक आइटम के क्रिएट कर लेंगे। क्या मान लो हमने मोबाइल को सैमसंग का कोई मोबाइल खरीद लिया है, सैमसंग J7 ले लिया मान लो, प्राइम मॉडल ले लिया है हमने, सैमसंग का J7 प्राइम ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है टी वी बनाई थी ओनीटेक मान लो हमने टी वी ले ली ओनीटेक, ठीक है ओनीटेक टी वी हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारे क्या है टी वी है और किस में लेंगे पी सी एस में लेंगे। और यहाँ पर हमने कितने ले लिए मानो मैंने दो ले ली और कहाँ से ले लिए मैंने मान लो अपनी कानपुर से ले ली और यहाँ से कम से दो में रेट कितना था तो मान लो एक टी वी की मेरे 10,000 रुपये है कर किया 2,000 हो गए। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह हमारा क्या आइटम क्रिएट हो चुका है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं तो अल्टर पर जाते हैं या डिस्प्ले पे चले जाओ। डिस्प्ले पे जाकर मुझे यहाँ पे आल इलेक्ट्रॉनिक कुछ देखना है या फिर ऑल आइटम हमें ऑल आइटम देखना है। दोस्तों हमने अभी ओनिडा टीवी का एक आइटम क्रिएट किया है, दो पीस हमने लिए हैं यहाँ पे, ये 20,000 दिखा रहा है एक पीस का। इस तरह दोस्तों क्या करते हैं आइटम क्रिएट करते हैं, गोडाउन बनाते हैं और स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं, यूनिट सब में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसके आगे भी ये कोर्स जारी रखूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।